कासगंज में समाज सेवी ने अपने पिता की स्मृति में निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन कराया, जिसमें क्षेत्र से आए गरीबों को डॉक्टर ने मरीजों की चेकअप कर उनके ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया। कासगंज के गंजडुंडवारा गांव सुजवालपुर प्रधान वसीम ने अपने पिता स्वर्गीय नाजिम खान की स्मृति में पिछले 4 साल से गरीबों के लिए नेत्र शिविर लगाते हैं, जिसमें लगभग 500 लोगों के चेकअप के बाद उनको आंखों के ऑपरेशन के निःशुल्क व दवा और खाने से लेकर रहने की व्यवस्था की गई है। सभी को नेत्र शिविर में आए मरीजों का बस द्वारा कासगंज मिशन हॉस्पिटल में उनके ऑपरेशन कराए जाते हैं। उनको ऑपरेशन के बाद बस द्वारा उनके घर पहुंचाया जाता है। इस वर्ष भी नेत्र शिविर कैंप लगाया गया, जिसमें क्षेत्र में बड़ी संख्या में मरीजों ने चेकअप कराए। ये कैंप वसीम प्रधान जी हैं सुजावलपुर के, उनके द्वारा लगाया जा रहा है। निरंतर पिछले वर्षों में भी लगता रहा है, अभी बीच में COVID-19 की वजह से ये सब नहीं हो पाया था, वे लगातार रहेगा। कितने मरीज अब तक लगभग 125-30 मरीज देख लिए हैं, बाकी वेटिंग में बैठे हैं, पर्चे भी अभी बन रही है। इनको सारी सुविधाएँ आवश्यकता अनुसार दवा, चश्मा, और जिसके मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने उनको लेंस वगैरह, चश्मा, उसके बाद की दवा सब कुछ फ्री दी जाएगी। प्रधान जी, जो आज शिविर लगाया हुआ है इसके बारे में बताइए। ये शिविर जो मेरा लग रहा है, ये पिछले लगभग 5 सालों से मेरा बराबर चल रहा है ये शिविर, और आज से लगभग 6 साल पहले मेरे वालिद साहब मेरठ में अपनी आगे बनवाने के लिए गए थे। तो जब वो अपनी आगे बनवाने के लिए गए, तो जब वापस आए तो मुझसे उन्होंने कहा कि यार मेरठ का सफ़र बड़ा लंबा रहा और बहुत दिक्कत होती है, तुम ये समाज सेवी काम करते हो, इसमें आँखों कैंप क्यों नहीं लगवाओ जिससे कि लोगों की मदद हो। तो बस उनसे मैंने कुछ प्रेरणा लेने के बाद में मैंने मिशन हॉस्पिटल कासगंज से संपर्क किया, और मुझे उसके बाद वहाँ से डेट मिली और मैंने फिर इस शिविर को लगाने का काम शुरू किया। और फिर तो अभी COVID-19 की वजह से पीछे नहीं लगा था, लेकिन अब मैं इस शिविर को अपने मरहूम वालिद साहब जनाब नाजिम अली की याद में इसको मैं कराता हूँ। अब तक कितने शिविर लगा चुके हैं? ये मेरा 5वां शिविर है, और आगे आगे भी मेरी कोशिश जारी रहेगी, जब तक ऊपर वाला मुझे हिम्मत देगा और मेरे साथ खड़े रहेंगे मेरे, जब तक मैं चाहूंगा कि मैं इसको आगे लगाता रहूं और लोगों की सेवा करता रहूं।